जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम प्रक्षेप गति के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें से केवल आज हम दो तथ्य पढ़ेंगे। पहला आर और एच में संबंध, दूसरा अधिकतम क्षैतिज परास मतलब आर मैक्स। तो पहला समझते हैं, आर मतलब क्षैतिज परास और एच मतलब अधिकतम ऊंचाई। तो ये संबंध हमें याद रखना है, ये केवल हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। तो इनमें संबंध होता है 4h इक्वल टू आर टेन थीटा। यहाँ h अधिकतम ऊंचाई, r क्षैतिज परास और थीटा जिस कोण से हम प्रक्षेप को या वस्तु को फेंकते हैं वह कोण। दूसरा अधिकतम क्षैतिज परास मतलब r मैक्स कब प्राप्त होगी हमें। तो आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर इसको हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसको हमें एक करना होगा। इसे एक करने के लिए हमें थीटा बराबर रखना होगा 45। तो थीटा को 45 रखेंगे तो आर हमें आर मैक्स हमें प्राप्त होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता जिसमें वस्तु को अधिकतम दूरी प्राप्त की जाती है, जैसे कि हम भाला को फेंकते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो वस्तु है उसको हम क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के साथ फेंकें। 45 डिग्री के साथ फेंकेंगे तो उसकी जो दूरी तय की गई दूरी होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, अब इनसे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, प्रक्षेप का उसके उच्चतम बिंदु पर उन्नयन कोण क्या होगा जब प्रक्षेप को प्रक्षेपण बिंदु से देखा जाता है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कोई वस्तु है उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंका गया। ठीक है, यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु है इसका, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, h अधिकतम ऊंचाई है। तो सवाल कह रहा है कि प्रक्षेप का उसके उच्चतम बिंदु पर उन्नयन कोण क्या होगा, इस बिंदु पर इसका उन्नयन कोण क्या होगा जब प्रक्षेप को उसके प्रक्षेपण बिंदु से देखा जाए, अर्थात यहां से देखा जाए और यहां पे इसका कोण क्या होगा, मतलब ये कोण पूछ रहा है ये वाला, और इसको मान लेते हैं हम अल्फा। ठीक है, अब हमको पता होता है कि अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु अपनी कुल दूरी क्षैतिज परास का आधा तय कर लेती है, अर्थात ये जो दूरी होगी इसकी ये होगी r बाई टू। ठीक है, हमें अल्फा का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालने के लिए हम निकालेंगे टेन अल्फा। यहां से टेन अल्फा का मान निकालें तो ये आएगा h अपॉन r बाई टू, ऊंचाई बटे आधार, 2h अपॉन r। ठीक है, और मैंने आपको बताया था
आर और एच में संबंध होता है, फोर एच इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से एच का मान निकालें तो ये निकलेगा आर टेन थीटा अपॉन फोर। इस एच के मान को हम इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ से टेन एल्फा निकल के आएगा, टेन एल्फा बराबर टू अपॉन आर इंटू एच का मान रखें आर टेन थीटा अपॉन फोर। ठीक, टू से ये टू बार कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो टेन एल्फा बराबर निकल के आया टेन थीटा अपॉन, और थीटा का मान हमें दे रखा है कितना 45। यहाँ पर हम थीटा का मान रखें तो टेन एल्फा बराबर निकल के आएगा टेन 45 अपॉन टू, और टेन 45 का मान कितना होता है 1/2, तो टेन एल्फा का मान बराबर आ गया 1/2। यहाँ से हम एल्फा का मान निकालें, टेन एल्फा बराबर 1/2, एल्फा का मान यहाँ से निकालें तो ये आएगा टेन इनवर्स 1/2, और ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखते हैं, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास्त व अधिकतम ऊंचाई समान है, तब प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। मतलब क्या दे रखा है, क्षैतिज परास आर और अधिकतम ऊंचाई एच, ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। और हमसे पूछा क्या है, प्रक्षेपण कोण, मतलब किस कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया गया है, फेंका गया है। तो मैंने आपको बताया था कि R और H में संबंध होता है, चूँकि 4H इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम H का मान रख दें या R का मान रख दें, किसी का भी मान उठाकर एक का मान यहाँ पर रख दो, तो हम रख देते हैं एच का मान, एच बराबर आर टेन थीटा अपॉन फोर। ठीक, तो आर बराबर आ गया आर टेन थीटा अपॉन फोर। ठीक है, आर से आर कैंसिल और फोर को इधर ले जाएं तो टेन थीटा का मान निकल के आएगा फोर। ठीक है, और हमें मान निकालना है प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण मतलब थीटा बराबर क्या, तो यहाँ से थीटा का मान निकालें तो ये निकल के आएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स फोर, ऑप्शन है बी। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या देख कह रहा है, एक मिसाइल को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से अधिकतम परास तक या दूरी तक दागा जाता है, मिसाइल की परास है, जबकि जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और मैंने आर मैक्स का आपका फॉर्मूला निकाल के बताया था, क्या निकल के आया था, यू स्क्वायर अपॉन जी, कब, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो यहाँ से जो जो मान दे रखे हैं उनको रख देते हैं, प्रारंभिक वेग यू का मान दे रखा है कितना 20, तो 20 इंटू 20, और जी का मान दे रखा है कितना 10,
कहाँ से काटें इसको, 10 से 2 बार, तो उत्तर निकल के आया 40 मीटर, ऑप्शन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में 2 तथ्य पढ़े हैं, आगे के तथ्य हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।